हेलो दोस्तों, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनको बनाते समय हमको बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, फ़ोटोज़ और वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए हम गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं। जब हम गूगल क्रोम से फ़ोटोज़ और वीडियोस को सिलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कई बार कि उन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में वाटरमार्क दिए होते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यहाँ पे आता है कि हम उन वाटरमार्क को किस तरह से रिमूव करें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है कि हम अपने वीडियोस और फोटोज़ में से किस तरह से वाटरमार्क को रिमूव करें। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत ही आसान तरीके से मात्र एक क्लिक के द्वारा आप किस प्रकार से वाटरमार्क रिमूव कर सकते हैं इसको बताया है। तो दोस्तों, आप लोग बस वीडियो को लास्ट तक देखें, आप लोग बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा इसमें वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, फोटोज़ और वीडियोस में से वाटरमार्क को हटाने के लिए, वाटरमार्क को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है हिटपा वाटरमार्क रिमूवर। तो दोस्तों, इसको डाउनलोड करने का लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से जाइए और आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको इसको डाउनलोड नहीं करना है और आप इसको ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल करके पहले से रख लिया था क्योंकि मैं इसका यूज़ बहुत समय से करता आ रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने सोचा कि आपको भी इसके बारे में बताया जाए। तो सबसे पहले आपको इसको ओपन करना होगा डाउनलोड करने के बाद। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपके सामने सबसे पहला इंटरफेस इस तरह का दिखाई पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक और ड्रैग टू ऐड फाइल, आपको यहाँ पे क्लिक करके फाइल को ऐड करना है या फिर आप इसको अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हैं, जिस भी फोटो या फिर वीडियोज में से आपको वाटरमार्क को रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक इमेज को ले लेता हूँ जिस पर एक वाटरमार्क हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ, यहाँ पे lovepic.com का वाटरमार्क आया है इस इमेज पे। अब दोस्तों, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हम इसको रिमूव कैसे करें। तो दोस्तों, इस एरिया को सिलेक्ट करना होगा जिस एरिया पर ये वाटरमार्क लगा हुआ है। तो सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों, हमारे पास तीन मेथड है, एक ब्रश टूल है और एक है मार्की टूल। ब्रश टूल से हम इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं और दोस्तों, हमारे पास सेकंड जो टूल है वो है मार्की टूल, इससे हम रेक्टेंगल शेप में इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, जो हमारा थर्ड है पॉलीगोनल लासो टूल, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम एक टैप यहाँ पे करेंगे, एक टैप यहाँ पे, इस तरह से हम टैप टैप करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं सबसे इजी तरीका बताऊंगा सिलेक्ट करने का। तो यहाँ पे आपको ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेना है। ब्रश टूल सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको साइज को थोड़ा सा छोटा ही रखना है, इस आप यहाँ पे और छोटा कर सकते हैं दोस्तों। तो इतना करने के बाद आपको जिस भी वाटरमार्क को रिमूव करना हो उस वाटरमार्क को यहाँ पे इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे यहाँ पे लव पिक लिखा हुआ है तो मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे प्रोसेसिंग लेगा, यहाँ पे आपको एक परसेंटेज बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इसने आपका वाटरमार्क हटा दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ धुंधला धुंधला सा थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो दोस्तों, उतना तो आएगा ही, अगर बैकग्राउंड हमारा व्हाइट होता तो उतना भी पता नहीं चलता। अगर आप लोग सही से सिलेक्ट करेंगे तो इतना भी नहीं पता चलेगा, पहले कुछ इस तरह से था अब इस तरह से हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह से हम हिटपा वाटरमार्क रिमूवर एप्लीकेशन का यूज करके हम अपने फोटोज और वीडियोज दोनों में से वाटरमार्क को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक और ऑनलाइन वेबसाइट का लिंक, दोनों लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप इसको जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको यूज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक के ऊपर हम वीडियो लाते रहेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जिससे वो लोग भी इन सभी टॉपिक को देख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।